अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि जो साहिवाल बोर्ड की जो ऑफिशियल डेट शीट है वो आ चुकी है. लिहाजा अब आप लोग के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो मेहनत करें. अब मैं आप लोग को बताने लगा हूँ कि आप लोग का पेपर किस किस तारीख को है. फेबररी की जो 24 फेबररी है ना, 24 तारीख, उस दिन से आप लोग के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पेपर आप लोग का इंग्लिश का, ठीक है. दूसरा पेपर, एक छुट्टी है, उसके बाद 25 को छुट्टी है, 26 को दोबारा आप लोग का पेपर है केमिस्ट्री का. ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट पेपर होगा वो है 28 को फिजिक्स का, और 28 के बाद जो नेक्स्ट मंथ है मार्च, 2 मार्च को, मतलब कि 2 मार्च को आप लोग का जो पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का होगा. उसके बाद आप लोगों का 2 के बाद एक छुट्टी है फिर, और 4 को आप लोग का पेपर होगा कंप्यूटर का, और जिन लोगों ने बायो रखी हुई है उनका बायो. ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को एक छुट्टी है, और 6 को आप लोग का पेपर होगा उर्दू का, और उसके बाद 7 को आप लोग का पेपर होगा इस्लामियात का, और जो 9 है, 9 मार्च, वहां तब आप लोग का पेपर होगा पाक स्टडी का. लिहाजा स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके और कामयाब हो सके. मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं. अल्लाह हाफिज़.